नगर में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 350 लीटर देसी शराब बरामद करने के साथ ही 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में रैपर पैकिंग मशीन भी बरामद की है। शराब माफिया देसी शराब खुद बनाकर उसमें नकली रैपर और पैकेजिंग कर जनपद के आसपास के जिलों में सप्लाई कर देते थे। देसी शराब बनाकर बाजार में सप्लाई किए जाने की मिली सूचना के बाद पुलिस ने कोतवाली नगर के सिपसिंहपुर तिराए के समीप एक मकान में गुपचुप तरीके से बनाई जा रही 350 लीटर देसी शराब बरामद करने के साथ ही मौके से 3 शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में रैपर पैकेजिंग मशीन भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि ये लोग लंबे समय से अभी देसी शराब बनाने के काम में लिप्त थे और ये लोग अभी देसी शराब को लेवलिंग और पैकेजिंग कर बाजार में सप्लाई कर देते थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी लोगों से पूछताछ कर अभी शराब के कारोबार में लिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। एटा से आरवी द्विवेदी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। सिपसिंहपुर तिराए से 350 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है, जिसमें लेवलिंग और पैकिंग की जा रही थी। इसमें पुष्पेंद्र जसवीर और एक व्यक्ति और को मिला के 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इनके खिलाफ अभी पंजीकृत कर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। किस तरह से करते थे ये शराब का? ये देसी शराब बना के पैकिंग करते थे, लेबल लगा के बाहर शराब बना के इसको बेचते थे, क्षेत्र में खपाते थे, जो यहाँ की लोकल मेड देसी शराब हुआ करते थे। उसी के नाम से लेबल लगा देते हैं? अलग अलग नाम से इनके पास लेबल है, प्रीमियम इसकी के नाम से, किसी भी नाम से, 2-3 नाम से इनके पास है, जो अलग अलग लेबल लगा के बेचते हैं।